ये डेटा वाइंड कंपनी का यूवी स्लेट 7DC प्लस टैबलेट है। इस पर पीछे मॉडल नंबर नहीं लिखा हुआ रहता, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने पे इसका जो मॉडल नंबर होता है वो लिखा हुआ आता है 7DC X प्लस। और इस टैबलेट में ख़राबी है, इसमें ऑटो ऐप्स डाउनलोड हो रही हैं। इस ख़राबी को ठीक करने के लिए हमको इस टैबलेट को फ्लैश करना होता है। इस टैबलेट में जैसे कि ये हमने लॉक खोला तो ये काफ़ी हैंग हो रहा है और इसमें ऑटो ऐप्स डाउनलोड हो रही हैं, तो इसके लिए हमको इसको फ्लैश करना है। इसको फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं, और ऑफ़ करने के बाद हमारे पास टैबलेट की फ़्लैश फाइल होना चाहिए। इस टैबलेट की फ़्लैश फाइल जो है वो जैसे कि हमारे पास टेस्टेड फाइल 3 के फोल्डर में, और डेटा वाइंड यूवी स्लेट 7DC प्लस जो कि इसका मॉडल नंबर है इसके फोल्डर में, यह इसकी फ्लैश फाइल है और इसका SP फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम SP फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, और फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ से स्कैटर लोडिंग फाइल में चूज पे क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद इसकी फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इसकी फ्लैश फाइल जो है वो इस समय हमारे डेस्कटॉप पे ऑल प्रोग्राम के फोल्डर में, टेस्टेड फाइल 3 के फोल्डर में, और डेटा वाइंड यूवी स्लेट 7DC प्लस के फोल्डर में। इसमें 7DC प्लस का फोल्डर ओपन किया और यह इसकी स्कैटर फाइल सेलेक्ट करके हमने ओपन पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से हमने डाउनलोड ओनली ऑप्शन सेलेक्ट किया और डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अब हम टैबलेट को ऑफ करके, और बैटरी जो है वो चार्ज रहना चाहिए, और USB केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। और कंप्यूटर से कनेक्ट करते इस प्रकार की प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाती है, और यह टैबलेट हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। और फ्लैशिंग कंप्लीट होने पे यहाँ पे ओके लिखा जाता है। इसके बाद हम टैबलेट को जो है वो कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको हम ऑन करके चेक करते हैं कि जिस खराबी के लिए हमने उसको फ्लैश किया था क्या वह खराबी ठीक हो जाती है। और इस प्रकार से जहाँ आगे बढ़ने के बाद जब हमारा टैबलेट पूरा ऑन हो जाता है, इसमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलता है, तो इसमें हम इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। जैसे कि एज के अंदर हमने एज डाल दी, कंट्री में हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली, नेम में हम नेम टाइप कर देते हैं, स्टेट में स्टेट टाइप कर दी हमने, फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर टाइप कर देते हैं, सिटी में ये हमने सिटी टाइप कर दी, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी हम टाइप कर देते हैं, पोस्टल कोड में पिन कोड हम टाइप कर देते हैं, इसमें मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑक्यूपेशन में कुछ भी हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नन ऑप्शन सेलेक्ट करके आई एग्री पे टिक लगा के ये हम सेव पे क्लिक कर देते हैं, और ये हमारे मोबाइल का पूरा मेन्यू आ जाता है। इसके बाद हम इस टैबलेट में नेट ऑन करके चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको फ्लैश कर दिया तो अब जो खराबी जो थी इसमें ऑटो ऐप्स वाली वह ठीक हो जाती है।